नेक्स्ट इज पास्ट एंड बैक इफेक्ट. वी हैव स्टडी नॉर्मल जीमेन इफेक्ट, ठीक है. और जो नॉर्मल जीमेन इफेक्ट में जो बी अप्लाई है दैट इज वीक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. वीक इन द कंपेरिजन ऑफ इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एटम, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एटम, ठीक है. अब ये जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज ड्यू टू द ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. उस मोशन की वजह से एक फील्ड होता है एटम का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है. दैट इज इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड. जो बी अप्लाई कर रहे हैं वो वीक है इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड से इन जीमैन इफेक्ट, ये जीमैन एक्सपेरिमेंट, राइट. देन क्या होता है कि जब अप्लाई करते हैं हम कि ये मान लो एल है एंड लेट्स इट इज एस, ठीक है. और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा लेट इट इज जी, ठीक है. ओके एंड स्टार्टिंग में तो एल और एस सेपरेटली प्रोसेस करेंगे अबाउट जे, ठीक है. लेट इट इज एल एस एंड इट इज जी. ओके जब हम मैं ये स्ट्रेट लाइन है, ओके. जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं अलोंग जेड डायरेक्शन, लेट सी इट इज अलोंग जेड डायरेक्शन, बी इज अप्लाई जेड, बी इज अप्लाई, ठीक है. नाउ जी टोटल एंगुलर मोमेंटम है दैट इज स्टार्ट टू प्रेसिस अबाउट बी, राइट, ठीक है. जब वीक फील्ड लगाया है हमने, ठीक है. जब क्या करते हैं कि फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे व्हेन बी इज इंक्रीज, और कितना इंक्रीज करेंगे इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एटम से. उस टाइम पे क्या होगा जो कपलिंग है एल और एस की जो मिलकर जे बना रही है ये ब्रेक होनी स्टार्ट हो जाएगी, ओके. अब इस कंडीशन पे जब ये कपलिंग कंप्लीटली ब्रेक होगी, स्टार्टिंग में तो बी इंक्रीज करेंगे पार्शियली ब्रेक होना स्टार्ट करेगी, ठीक है. देन बी को हम फर्दर इंक्रीज करेंगे देन जो कपलिंग है एल और एस की कंप्लीटली ब्रेक्स हो जाएगी. उस टाइम पे एल और एस सेपरेटली बी के अबाउट प्रेसिस करने लग जाएंगे, ओके. सो इट बिकम्स, देखो इट बिकम्स जो कपलिंग होगी नेक्स्ट में बी के अबाउट, लेट्स सी इट इज बी, ठीक है. एंड इट इज एल, एल सेपरेटली प्रेसिस करेगा अबाउट बी के, राइट. लेट इट इज एल, ठीक है. अब एस कंपोनेंट है विद क्वांटेज कंपोनेंट, ठीक है. लेट इट इज एस एंड इट इज ऑल्सो सेपरेटली प्रेसिस अबाउट बी. लेट इट इज बी इन जेड डायरेक्शन, ओके. इट इज एस एंड एस प्रेसिस अबाउट बी विद क्वांटेज कंपोनेंट एस जेड, ठीक है. एल प्रेसिस अबाउट बी विद क्वांटेज कंपोनेंट एल जेड, राइट. स्टार्टिंग में क्या था जब बी को बी वीक था देन एल और एस जे के अबाउट प्रेसिस कर रहे हैं, ठीक है. और देन जे प्रेसिस अबाउट बी, ओके. जब फील्ड हमने स्ट्रेंथ इंक्रीज की इंटरनल कपलिंग बिटवीन एल एंड एस ब्रेक डाउन, ठीक है. देन क्या होगा जो एल और एस हैं सेपरेटली प्रेसिस करेंगे अबाउट बी के, ठीक है. विद देयर क्वांटेज कंपोनेंट इन जेड डायरेक्शंस, राइट. सो वी कैन सी अ स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज पास्ट एंड बैक इफेक्ट, ठीक है. वी कैन सी इन जीमेन इफेक्ट में क्या था कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वीक है कंपेयर टू इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. जब हम स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे जो सेपरेशन होगी ना बिटवीन जीमेन कंपोनेंट वो चेंज हो जाएगी,
ठीक है। देखो जे कब मिलता है हमें, अनामलस जी मैनिफेक्ट में, ठीक है, अनामलस जी मैनिफेक्ट में। जब वी इंक्रीज करेंगे तो जो अनामलस जी मैनिफेक्ट के जो लेवल हैं, वी कैन से फाइन स्ट्रक्चर लेवल, क्योंकि जहाँ पे जे आता है तो व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिन, ठीक है, और वहाँ पे जो लेवल्स मिलते हैं दैट आर फाइन स्ट्रक्चर लेवल, तो उनके बीच की सेपरेशन इंक्रीज होती जाती है, और एक 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 बी की वैल्यू पे, जब हम बी को इंक्रीज कर रहे हैं, एक बी की ऐसी वैल्यू आती है जहां पर ये अनैमलस जी मैनिफैक्ट बिकम्स नॉर्मल जी मैनिफैक्ट, ठीक है, क्योंकि उनके एनर्जी लेवल्स नॉर्मल जी मैनिफैक्ट की एनर्जी लेवल्स को कोइंसाइड करते हैं, राइट, एंड इट इज द पास्चन बैक इफेक्ट, ठीक है। एंड जब भी इंक्रीज करते हैं, जो एलएस की कपलिंग है, इसका जो प्रिसिशन है, ठीक है, जो वीक फील्ड है, ठीक है, एलएस की कपलिंग का जो प्रिसिशन है वो फास्टर है इन कंपैरिजन ऑफ जे की, जे के प्रिसिशन से अबाउट बी, ठीक है। एलएस का जो प्रिसिशन है अबाउट जे इज फास्टर देन प्रिसिशन ऑफ जे अबाउट बी, ठीक है। जैसे ही बी इंक्रीज करते हैं, ये प्रिसिशन फास्टर होता जाता है, ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है तब ये कपलिंग ब्रेक हो जाती है और ये सेपरेटली प्रोसेस करते हैं अबाउट बी के विद देयर कॉन्टेज कंपोनेंट एस जेड एंड एल जेड, और जो एस जेड और एल जेड की जो वैल्यू है दैट इज एस जेड इज एम एस एच कट एंड वी कैन राइट एम एस एच ओवर टू पाई, राइट, एंड एल जेड इज एम एल एच कट एंड, ठीक है, जो प्रिसिशन होगा वो क्वांटेज होगा और जो क्वांटम वैल्यूज हैं दैट आर एम एल एच ओवर टू पाई, राइट, वेयर एम एस की जो वैल्यू है दैट इज माइनस एस टू प्लस एस, ठीक है, टोटल टू एस प्लस वन वैल्यूज, एंड एम एल की जो वैल्यू है माइनस एल टू प्लस एल, राइट। सो बाय लार्मर्स थ्योरम जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन है ऑफ एस एंड एल अबाउट बी इज गिवन बाय ओमेगा एल इज ई ओवर टू एम, एल का प्रिसिशन अबाउट बी, ठीक है, एंड ओमेगा एस इज टू ई ओवर टू एम, क्योंकि स्पिन मोशन में जो जी फैक्टर आता है दैट इज टू, ठीक है। अगर मैं बताना चाहूँ, क्योंकि जी की वैल्यू होती है वन प्लस जे इंटू जे प्लस वन माइनस प्लस एस इंटू एस प्लस वन एंड माइनस एल इंटू एल प्लस वन, ठीक है, ओवर टू जे एंड जे प्लस वन, सेपरेटली हमने स्पिन मोशन कंसिडर किया है, ठीक है। सो स्पिन इज हाफ एंड जे इज हाफ, क्योंकि एल इज जीरो, ओनली स्पिन मोशन कंसिडर किया है, राइट। यहाँ से जी कितना होगा, वन प्लस जे इंटू जे प्लस वन इज वन बाई टू एंड थ्री बाई टू, राइट, एस इंटू एस प्लस वन प्लस वन बाई टू एंड थ्री बाई टू माइनस जीरो ओवर टू टाइम्स वन बाई टू एंड थ्री बाई टू, ठीक है, इट्स वैल्यू इज टू। और जो यहाँ पे जो जी की वैल्यू है ये वन है बिकॉज ऑफ ओनली ऑर्बिटल मोशन एस जीरो एंड जे इज एल प्लस एस, ठीक है, सो जे इक्वल टू एल, राइट, एंड वी हैव अप्लाई जी इज वन प्लस जे इंटू जे प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन, राइट, ओवर टू जे एंड जे प्लस वन, ठीक है, वन प्लस इन प्लेस ऑफ जे वी कैन राइट एल, एल इंटू एल प्लस वन, ठीक है, एस इज जीरो हियर माइनस एल इंटू एल प्लस वन ओवर टू एल एंड एल प्लस वन, राइट, एंड दिस टर्म इज जीरो एंड वी गेटिंग वैल्यू ऑफ जी इज वन, ओके। सो हियर ओमेगा एल इज ई ओवर टू एम बी एंड ओमेगा एस इज
2e ओवर 2m, बी फॉर द प्योरली ऑर्बिटल मोशन एंड प्योरली अ स्पिन मोशन, वैल्यू ऑफ g इज, स्पिन मोशन के लिए वैल्यू ऑफ g इज 2 एंड ऑर्बिटल मोशन के लिए वैल्यू ऑफ g इज 1, ठीक है. सो वी हैविंग टेकिंग 1 एंड वी हैविंग टेकिंग 2, ठीक है. सो एंगुलर वेलोसिटी हो गई प्रिसिशन की, देन एनर्जी ऑफ ईच प्रिसिशन इज, एनर्जी ऑफ ईच प्रिसिशन क्या होगी, डेल ई एल फॉर ऑर्बिटल मोशन, ठीक है, दैट इज ओमेगा एल एल जेड, राइट. एंड ओमेगा एल इज ई ओवर टू एम बी एंड एल जेड इज एम एल एच ओवर टू पाई, राइट. एंड डेल ई एस इज ओमेगा एस एस जेड, ओमेगा एस इज टू ई ओवर टू एम एंड बी एंड एम एस एच ओवर टू पाई, राइट. एंड टोटल इज सम ऑफ दिस टू इंट्रैक्शन एनर्जी इज द टोटल, लेट सी दैट इज डेल ई इज डेल ई एल प्लस डेल ई एस, राइट. ऑन हैविंग वैल्यू ऑफ e over 2m b ml h over 2 pi, ठीक है, 2 pi plus 2e over 2m b ms h over 2 pi, right. यहां से e h over 4 pi m is common, ठीक है, and b is also common, ml plus 2ms, right. इतना ठीक है. and energy in wave number unit या drum value की form में अगर हम लिखें, that is del t is del e over hc, ठीक है, तो e b over 4 pi mc hc से divide कर दिया and we getting ml plus 2ms, right. And this is constant Lorentz unit and we get ml plus 2ms into l dash, right. अब जो levels बनेंगे split होने के बाद, that is 2l plus 1 into 2s plus 1, total number of levels, ठीक है, या energy level split into 2l plus 1 and 2s plus 1 levels, right. एक example लेके consider करते हैं, क्योंकि जो ml है, ml की जो value है यहाँ पे, वो total of कितनी होंगी, 2l plus 1, ठीक है, ms की होंगी 2s plus 1, right. So total levels कितने हो जाएंगे इन दोनों का product, right. एक example consider करते हैं 2p से 2s का, राइट. अब ट्रांजिशन पहले लेवल्स चेक करेंगे कितने लेवल्स में स्प्लिट होता है, देन ट्रांजिशंस बाय सिलेक्शन रूल्स, ओके. सो वी हैव कंसीडर ट्रांजिशन ऑफ 2p टू 2s, 2p, ठीक है, एंड 2s, राइट. p के लिए चेक करें पहले, ट्रम है अपनी 2p, ठीक है. यहां से देखो s कितना होगा, देखो मल्टीप्लिसिटी है इसकी 2s plus 1, right, is 2, s is half here, so s is half, ठीक है, l is 1, और j को consider नहीं करेंगे, क्योंकि coupling break होने के बाद j नहीं रहता है, ठीक है, j destroy हो गया यहाँ पे, ठीक है, and number of strong field levels क्या होंगे, levels are 2L plus 1 into 2S plus 1, ठीक है. So we write 2, L is 1 here plus 1 into 2, S is half plus 1, right, 3 into 2, we get 6 level, okay.
ml की क्या वैल्यू हो जाऊंगी, ml की वैल्यूज l है 1, ml इज माइनस 1 टू प्लस 1। ओके ms क्या होगा, ms होता है माइनस s टू प्लस s, राइट। सो जो लेवल 1 है इसके क्रोस्पोंडिंग होगा 1 प्लस एंड माइनस हाफ, ठीक है, इसके करस्पोंडिंग प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, राइट, क्योंकि एम एस की दो वैल्यूज होती हैं, तो एक लेवल की क्रोस्पोंडिंग एक लेवल में दो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, ठीक है, एंड दिस इज प्लस एंड माइनस हाफ, राइट। और जो शिफ्ट है अपना, शिफ्ट इन लोरेंट्ज़ यूनिट है, दैट इज एम एल प्लस 2 एम एस, ओके, उसकी जो वैल्यू जाएंगी दैट आर, देखो एम एल है यहाँ पे 1 एंड 2 एम एस, एक तो 2 हो गई, ठीक है, एम एल 1 एंड 2 एम एस एक 0 हो गई, राइट। जब एस हाफ लिया, एक बार एस माइनस हाफ लिया, राइट, एंड नाउ एम एल इज 0, ओके, 0 प्लस 2 एम एस 1, 0 माइनस 2 एम एस इज माइनस 1, राइट, माइनस 1 प्लस 1 इज 0 एंड माइनस 1 एंड माइनस 1 इज माइनस 2, राइट। एंड नेक्स्ट टर्म इज 2s, 2s टर्म के लिए s हाफ l 0, ठीक है, नंबर ऑफ जो लेवल्स होंगे दैट इज 2l प्लस 1 इंटू 2s प्लस 1, राइट, l इज 0, 1 इंटू 2, टोटल 2 लेवल्स, ठीक है, l 0 है, ठीक है, 0 के करस्पोंडिंग जो ms होगा, एक पर तो प्लस हाफ एंड 1 इज माइनस हाफ, ठीक है, और ml प्लस 2 ms इज ml इज 0, 2 1 एंड माइनस 1, राइट। सो दीज लेवल स्प्लिट इंटू 6 लाइन्स एंड दिस लेवल स्प्लिट इंटू 2 लाइन्स, ठीक है, सो ट्रांजिशन इज, मान लो ये अपना 2p लेवल है, ठीक है, एंड इट इज 2s लेवल, ठीक है, इट दिस लेवल इज स्प्लिट इंटू 6 लेवल एंड इट इज इन 2 लेवल, एक एंड दो, राइट, एंड दिस लेवल इज स्प्लिट इंटू 6 लेवल, सो एक तो इसी के करस्पोंडिंग आएगा, ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, फर्स्ट वी राइट एम एल प्लस 2 एम एस, एम एल प्लस 2 एम एस, ठीक है, यही तो स्प्लिटिंग है, लेवल स्प्लिटिंग, सो फॉर 2 एंड 1 एंड 0 माइनस 1 एंड 2, ठीक है, 0 इज 2 टाइम्स हियर, सो 0 के क्रोस्पोंडिंग वी हैविंग 2 लेवल्स, ठीक है, 0 दो बार आ रहा है, सो वी हैविंग 2 लेवल्स इन कोरस्पोंडिंग टू 0 वैल्यूज, शिफ्ट की 0 वैल्यू है, मीन्स जो पेरेंट है, ठीक है, जो एक्चुअल है उसी के कोरस्पोंडिंग वी आर गेटिंग 2 लेवल्स, ठीक है, आप चाहे तो एक लाइन से दिखाएं या फिर 2 लाइन से, बुक में 2 लाइन्स हैं, एक से भी दिखा सकते हो, बट ये दोनों वैल्यूज अलग अलग लिखनी है, ठीक है, बिल्कुल एक क्लोज लाइन मीन्स सेम वेव नंबर पे लाइन्स हैं, ठीक है, सो वी हैविंग 6 वैल्यूज, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 6 लेवल्स, ओके, एक के करस्पोंडिंग 2 लेवल्स हैं, क्योंकि वी हैविंग जो स्प्लिटिंग है, शिफ्ट इन लेवल है, सेम वैल्यूज रखते हैं, ठीक है, तो वो लेवल कॉन्सेट कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, एंड फॉर दिस माइनस 1 एंड 1, 1 एंड माइनस 1, ठीक है, एम एल वैल्यूज हैं, एम एल एंड एम एस वैल्यूज, राइट, 2 के करस्पोंडिंग 1 है,
ठीक है, और वन और माइनस वन के कोरस्पोंडिंग जीरो है, वन और माइनस वन के कोरस्पोंडिंग जीरो है, राइट, और जीरो और माइनस टू के कोरस्पोंडिंग माइनस वन है, जीरो और माइनस टू के कोरस्पोंडिंग माइनस वन है, एक मिनट रुको, यस, जीरो और माइनस वन के, जीरो और माइनस टू के कोरस्पोंडिंग इट इज माइनस टू, ठीक है, जीरो और माइनस टू के कोरस्पोंडिंग माइनस वन इट इज माइनस वन, एंड एक जीरो के कोरस्पोंडिंग माइनस वन है, ठीक है, और सेकेंड जीरो के कोरस्पोंडिंग प्लस वन है, वन एंड माइनस वन, राइट, एंड एम एस वैल्यू इज वन के कोरस्पोंडिंग प्लस ऑफ, ठीक है, यहाँ से चेक करो, टू के कोरस्पोंडिंग प्लस ऑफ, टू इज प्लस ऑफ, ठीक है, जीरो के कोरस्पोंडिंग माइनस ऑफ, ये बाद में लिखेंगे, वन के कोरस्पोंडिंग प्लस ऑफ, ठीक है, एम एल प्लस टू एम एस इज वन एंड प्लस ऑफ, और वही माइनस वन के कोरस्पोंडिंग माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस टू के कोरस्पोंडिंग माइनस ऑफ, ठीक है, एक तो ये जीरो बचता है, देन प्लस ऑफ, एंड दिस जीरो इज कोरस्पोंडिंग टू प्लस ऑफ, दिस जीरो कोरस्पोंडिंग टू माइनस ऑफ, सो एक तो प्लस ऑफ और एक माइनस ऑफ, ठीक है, दिस इज माइनस ऑफ एंड दिस इज प्लस ऑफ, राइट, ठीक है, ये समझ में आए ना, यहाँ पे कोमा है, दो वैल्यूज एंड दो वैल्यूज, राइट, देखो ये जीरो कब बनेगा, एम एल प्लस टू एम एस करेंगे, फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू बिकम्स जीरो, ठीक है, सेकंड सेकंड वैल्यूज एम एल प्लस टू एम एस माइनस वन प्लस वन, ठीक है, सो माइनस वन के कोरस्पोंडिंग माइनस ना प्लस वन के कोरस्पोंडिंग माइनस हाफ और माइनस वन के कोरस्पोंडिंग प्लस हाफ, ठीक है, राइट, एंड इसके लिए एम एल क्या होगा, जीरो जीरो, ठीक है, क्योंकि एल इज जीरो, एम एल इज जीरो, एंड एस इज प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, राइट, सो अब ट्रांजिशन चेक करना है, सिलेक्शन रूल है, डेल एम एल इज जीरो और प्लस माइनस वन, राइट, एंड डेल एम एस इज जीरो होना चाहिए, ओके, सो अब चेक करो, पहले तो डेल एम एल चेक करो माइनस वन के लिए, सो माइनस टू से माइनस वन में अगर ट्रांजिशन हो, ठीक है, तो माइनस वन ये कंडीशन फुलफिल, ठीक है, अब चेक करेंगे डेल एम एस माइनस हाफ टू माइनस हाफ, ठीक है, ये लेवल से इस लेवल में ट्रांजिशन, वी हैव टू चेक एम एल वैल्यूज, एम एल इज माइनस वन एंड जीरो, कंडीशन इज फुलफिल, ठीक है, इनको चेक नहीं करना है, इनको चेक करना है, एंड देन चेक एम एस वैल्यूज, सो वी हैविंग दिस लेवल टू दिस, ठीक है, माइनस वन से जीरो अलाउ, एंड माइनस हाफ से हाफ, माइनस हाफ टू माइनस हाफ ऑल्सो अलाउ, क्योंकि डेल एम एस इज जीरो होना चाहिए, ओके, एंड नेक्स्ट इज, देखो एम एल चेक करना है, एम एल माइनस वन से जीरो इज अलाउ, ठीक है, माइनस वन से जीरो इज अलाउ, ओके, सो वी, ठीक है, यहां से देखो माइनस वन के जो कोरस्पोंडिंग एम एस है दैट इज प्लस हाफ, प्लस हाफ टू प्लस हाफ इज अलाउ ट्रांजिशन, ठीक है, सो दिस इज ट्रांजिशन इज अलाउ, ओके, दोनों ही वैल्यू एक साथ चेक करनी है, एंड नेक्स्ट इज यहां से चेक करो, एम एल जीरो है, ठीक है,
और माइनस हाफ है, ये अलाउ, जीरो टू जीरो एंड माइनस हाफ टू माइनस हाफ, ठीक है, सो इट इज अलाउ ट्रांजिशन, माइनस हाफ मिड है, ओके। एंड इसका नेक्स्ट है जीरो टू जीरो एंड हाफ टू हाफ, ओके, ये और ये, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अलाउ, क्योंकि जीरो से जीरो डेल एम एल इज जीरो एंड हाफ से हाफ डेल एम एस इज ऑल्सो जीरो, राइट, दिस इज फॉर डेल एम एल जीरो के लिए, डेल एम एल कहाँ से था, वन से जीरो, माइनस वन, लेट्स से माइनस वन या प्लस वन, ठीक है, ओके, अगर अपर टू लोअर लोगे तो ये माइनस वन, ठीक है, लोअर टू अपर चेक करोगे तो दिस इज प्लस वन, ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड थर्ड इज माइनस वन का हो चुका है, ठीक है, वन से जीरो में अगर ट्रांजिशन हो, वन का, रुक एक मिनट, हाँ ये माइनस वन का हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, वन बचता है, वन से जीरो इज अलाउ, वन के लिए जो एम एस है दैट इज हाफ, माइनस हाफ टू माइनस हाफ इज अलाउ, राइट, ये चेक करें फर्स्ट वाली टर्म, वन एंड माइनस हाफ, जीरो एंड माइनस हाफ, दिस इज अलाउ, ठीक है, सो इट इज अलाउ ट्रांजिशंस, राइट। एंड लास्ट इज वन टू जीरो अलाउ, प्लस हाफ टू प्लस हाफ इज अलाउ, राइट, वन इज करस्पोंडिंग टू दिस लेवल, ओके। एंड लेट्स सी डेल एम एल इज वन हियर, ओके, सो जो डेल एम एल जीरो के करस्पोंडिंग वी गेट पाई कॉम्पोनेंट, ठीक है, दिस इज पाई, एंड एम एल माइनस वन एंड प्लस वन के करस्पोंडिंग वी गेट सिग्मा कॉम्पोनेंट, ठीक है, पाई कॉम्पोनेंट इज इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑफ दिस इज पैरेलल टू बी, ठीक है, पोलराइज कॉम्पोनेंट, एंड सिग्मा इज परपेंडिकुलर टू बी, राइट। एंड अब देखो, या वी गेट ट्रिपलेट हेयर, ठीक है, सिक्स ट्रांजिशंस हैं बट वी गेट थ्री लाइन्स, क्योंकि बोथ दीज टू लाइन्स आर कोरस्पोंडिंग टू सेम वेव नंबर, क्योंकि इनका डेल एम एल सेम है, राइट, सो वी गेट जो अब जो पैटर्न है, दिस इज नॉर्मल जीवन इफेक्ट टाइप पैटर्न है, ठीक है, सो वी कैन से दिस पैटर्न सेम एज नॉर्मल जीमेन ट्रिपलेट, ओके, एंड दिस इज योर आर्टिकल, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, राइट, जो स्प्लिटिंग है दैट इज इन सिक्स लेवल, सिलेक्शन रूल है दैट इज डेल एम एल इज जीरो एंड प्लस माइनस वन एंड डेल एम एस इज जीरो, सो वी कैन सी एट दिस कंडीशंस व्हेन द फील्ड इज बिकम्स स्ट्रॉन्ग, एनेमलेस जीमेन इफेक्ट चेंजेस टू अ नॉर्मल जीमेन इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि जो स्प्लिटिंग का सेपरेशन है वो नॉर्मल के जैसा हो जाएगा, देन वी गेट ट्रिपलेट लाइन्स, ठीक है।